115 इज कि जहां एक एक्ट की अबेटमेंट हुई लेकिन वो एक्ट नहीं हुआ तो उसकी सजा क्या होगी। वो लिखा इसमें कि 7 साल तक हो सकती है। यहां एक पर मेंशन है कि ये सेक्शन 115 लागू तब होगा जब कहीं एक्सप्रेसली कोई ऐसा प्रोविजन कानून में मेंशन नहीं है, एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। अब कोई ऐसा सेक्शन भी है जहां एक्सप्रेस प्रोविजन है, दैट इज सेक्शन 121 आईपीसी। ये वो सेक्शन है जहां वो चीजें एक्सप्रेसली मेंशन है। लेकिन अगर इनकी तरह 121 या 131 आईपीसी की तरह कोई चीज नहीं है तो वो सेक्शन 115 में जाएगी कि अबेटमेंट हुई लेकिन एक्ट डन नहीं हुआ। एक क्लॉज और है कि जहां एक्ट तो नहीं हुआ, नॉट डन, एनी एक्ट वॉज नॉट डन, बट स्लाइट हार्म, शायद स्लाइट हार्म वर्ड यूज है, कॉज्ड कि छोटा मोटा नुकसान जरूर हुआ तो उसमें सजा कितनी होगी। सेकेंड क्लॉज 115 इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन इज डन द अबेटर शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ इदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 14 इयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। 14 इयर्स प्लस फाइन। अगर एक्ट करने के दौरान कोई स्लाइट हार्म हुआ है तो उसमें सजा 14 इयर्स प्लस फाइन होगी। ठीक है, दैट इज 115।